कवर्धा के इंदौरी में 5 दिसंबर से लापता रानू साहू की लाश 12 दिसंबर को ग्राम इंदौरी के खेत में सड़ी गली मिली। इसके बाद मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस ने 24 घंटे बाद ही रानू साहू के प्रेमी युवक को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया गया। मृतका रानू साहू के परिजन और साहू समाज के लोगों ने पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है, ऐसा कहा। बताया जा रहा है कि घटना को किसी एक व्यक्ति द्वारा अंजाम नहीं दिया गया है। इस मामले में और भी लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। आज मृतका के परिजन और साहू समाज के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मामले की बारीकी से जांच कर हत्या में शामिल अन्य लोगों पर उचित कार्यवाही करने की मांग की। बता दें कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे ने समाज के प्रमुख लोगों को भरोसा दिलाया और टीम गठित कर जांच करने की बात कही। वहीं कहा कि अगर इस मामले में अन्य लोग भी शामिल हुए तो उन पर भी कानूनी कार्यवाही जरूरी है और जरूर किया जाए। बता दें कि 5 दिसंबर की रात रानू साहू को फोन कर इंदौरी के खेत में बात करने बुलाया था। इस दौरान दोनों के बीच वहां कहासुनी हो गई। वहीं आरोपी ने आवेश में आकर मृतका रानू साहू को धक्का दे दिया, जिससे वो गिर गई। गिरने से युवती के सिर पर गंभीर चोट आई, जिसके बाद आरोपी ने डर कर पास में रखे पत्थर से उसके सर पर वार किया। युवती की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी मौके से फरार हो गया। पूरा मामला पिपरिया थाना के इंदौरी गाँव का है। वहीं रानू साहू और दोनों जो आरोपी हैं दोनों ग्राम इंदौरी के ही रहने वाले हैं। को लेकर जो है एसपी आपके साथ लोग पहुँचे हुए हैं। ग्राम इंदौरी का घटना हुआ था। 5 तारीख को रानू साहू, कुमारी रानू साहू घर से कहीं गायब हो गई थी। उसके बाद उसकी लाश 12 तारीख को मिला था। घर के पीछे कुछ दूर में पैरा पे दबा हुआ मिला था। तो उस घटना के बाद जो अभी एक आरोपी को पकड़ा गया है और सारी घटनाओं को देखें तो क्योंकि 5 तारीख से लापता और फिर 12 तारीख को उसकी लाश मिला और आरोपी का जिसने जो जेल में बंद है उसका कहना है कि 5 तारीख को मैं हत्या किया हूँ, 5 तारीख को रात में। और 12 तारीख को अगर उसकी लाश मिलता है तो उसमें बदबू आना या कीड़े लग जाना स्वाभाविकता है। और इस प्रकार की जिस हिसाब से लड़की की शरीर था, हेल्थ था, उसको एक व्यक्ति उठा नहीं सकता उसकी लाश को। और जो आरोपी है वो सिंगल है, दुबला पतला है। तो ऐसे कुछ और विषय है, उनसे पूरी परिवार वाले और समाज वाले भी मानते हैं कि और कुछ लोग उसमें शामिल हैं। उसी को मांग करने के लिए हम सभी लोग आए हैं। उसके परिवार के पिताजी आए, उसके परिवार के लोग आए हैं, ग्रामवासी आए हैं और सारे प्रमुख लोग आए हैं कि इसमें एक अच्छे से जांच हो जाए और इसमें जो शामिल होंगे जो उनको पकड़ करके उसे सजा दी जाए। ठीक है। साहू समाज के लोग जो आए थे क्या उनकी मांग है? ग्राम इंदौरी थाना पिपरिया का ये मामला है जिसमें पूर्व में एक बच्ची की हत्या हुई थी और इस हत्या के उपरांत प्रकरण में जांच के उपरांत जो आरोपी था उसे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण में इंदौरी ग्राम के कुछ ग्रामीण और परिवारजन और समाज के प्रतिनिधिगण उपस्थित हुए थे और उन्होंने इस पूरे प्रकरण में इसको गंभीरता पूर्वक और संवेदनशीलता पूर्वक जांच करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन दिया है और इसमें निष्पक्ष रूप से कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया गया है। मैडम, इस मामले में कितने आरोपी जो है गिरफ्तार हुए हैं और कितने और हो सकते हैं? क्योंकि ये प्रकरण वर्तमान में विवेचना में है और इस प्रकरण में मृतिका के साथ में उसका पूर्व में जैसे दोस्त के साथ में ये पूरी घटना हुई थी और एक आरोपी को वर्तमान में गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय ने उसे रिमांड भी दिया है।